हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और मैं उठ चुका हूँ, सुबह हो चुकी, 8 बज चुके हैं। आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है लुधियाना। मैं लुधियाना के लिए थोड़ी देर बाद तैयार होऊंगा। उससे पहले देखो, यहाँ पे चाय, नाश्ता सब कुछ हो चुका है, ब्रेड ब्रेड सब तैयार है। जिसको भी खाना है वो आ जाए, खाली फ़ोन से ही खा सकता है, ऐसे तो आ नहीं सकता। और ये मैडम जी यहाँ चाय पी रही हैं। कल जो दवा लेके आए थे इनके लिए, शायद उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, इसलिए इनकी तबीयत आज थोड़ी ठीक है। तो ये गुपुर गुपुर करके खा रही हैं, और अभी तो फिलहाल इनको हम दिखाते हैं कैसे खा रही हैं आपको, ठीक है? हम अपना ही चेहरा देखने पहले बिजी हैं, कैसे लग रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये खा रही हैं और खा नहीं पा रही हैं क्योंकि इनके जो जुकाम होता है ना, जुकाम में गले में वैसा फंस जाता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है, वैसे ही इनके कुछ हो गया है, गले में कट जाता है ना वो जुकाम में, तो वही हो गया इनके। तो ये खा वा कुछ नहीं पा रही हैं, पता नहीं कब सही होगा इनका गला। वही तो हम कह रहे हैं, आ जाओ दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लो। तो दोस्तों, हम पी रहे हैं चाय और खा रहे हैं ब्रेड नमकीन। सोचा आप लोगों को दिखा दें, आप लोगों ने तो कभी खाई नहीं होगी, है ना? इसलिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल ट्रेन से, है ना? तो गाइस, हमने उस दिन डाला हुआ था वीडियो में, रोड से आ रहे थे कि पुल की सारी रोड इसे ख़राब है। तो आज देख लो क्या है, लगता है हमारी बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। तो रोड पूरी बन गई है, बड़ी खुशी हो रही है देख के। देखो सारी बन गई है। तुम बहुत जल्दी जल्दी नहीं चल रहे, का हो गया? तो ये रही हमारी रिपोर्ट, मिल गई है फाइनली। देखते हैं क्या निकला है, पता नहीं, इसमें अभी डॉक्टर के पास पता चल। ऊपर से क्या पी रही हो? दोस्तों इनके चलते चलते बहुत तेज दर्द होने लगा, तो यहाँ पे बैठ गई, पानी पी रही हैं अब बैठ के। तो हम जा रहे हैं लुधियाना, इनको यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। ये अपना जांच वाँच कराएंगी, जो कल चेकअप हुए हैं। अपना मुंह देखो पहले, तबला दिखा लग रहा है उसमें, आज हम बालू लग रहे हैं। तो जो रिपोर्ट मिली वो दिखानी है डॉक्टर को, तो हम चलते हैं। बैठा था गाइस, जा चुके हैं हस्बैंड मेरे और मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल, ले आए हैं रिपोर्ट। अब दिखाएंगे जाके कि क्या है रिपोर्ट में, ठीक है कि नहीं है। तो आज शायद ज़्यादा टाइम ना लगे क्योंकि मैं पहले ही आ गई हूँ, देखते हैं क्या होता है। आज मैं ना एकदम भालू जैसी लग रही हूँ, इतनी मोटी लग रही हूँ, अंदर 2-3 स्वेटर पहने हुए है कि ठंड ना लग जाए। सच में एकदम भालू लग रही हूँ, गाल देखो कैसे फूले फूले सारे। मैंने पर्ची जमा कर दी है और मैम अभी आई नहीं है, 9:30 हुए हैं, तो 10 बजे तक वो शायद आ जाए। तो बैठे हैं अकेले, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा है कि मन हो रहा है पूरा, इतने सर्द कपड़े पहने हैं, रज़ाई लेके आनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है हॉस्पिटल के अंदर। तो बैठे हैं अभी हम अकेले, फिलहाल कोई नहीं है घर पे, उधर पे बैठे हैं लोग, मैं यहाँ पे अकेले बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ उनका। मैम आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जल्दी से दिखाने उनको, अभी तो नंबर आएगा, लेकिन जा रही हूँ वहीं बैठूँगी जाके सामने ही, ताकि बुलाएं तो सुनाई दे जाए मुझे। मैंने दिखा लिया है और डॉक्टर बोली रिपोर्ट ख़राब है, इंजेक्शन लगने हैं 3 दिन, तो देखते हैं अब इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सबसे कितना ख़तरनाक काम है इंजेक्शन लगवाना। ये ले लिए मैंने इंजेक्शन, इसके अंदर हैं, तो मैं जा रही हूँ। ये है डिस्पेंसरी, यहाँ से मैंने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, यहाँ पे आए हुए थे तो लग गया है फाइनली इंजेक्शन। अब घर जा रहे हैं हम।
आ चुकी हूँ घर और आज सही टाइम पर घर पहुँच गए हैं, तो थोड़ा दिल को हमारे सुकून मिल रहा है। और हस्बैंड जी भी निकल गए थे, उनको भी बस मिल गई थी और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, इसलिए ये हाल है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती ज़्यादा, हाँफने लग जाते हैं। तो मैं गई थी जल्दी जल्दी, दवा नहीं खाई थी, अब जा रही हूँ दवा खाना है, इंजेक्शन लगाए। सोच रहे हैं इतनी सारी दवा है कहीं नुकसान ना कर जाए, लेकिन डॉक्टर ने दी है तो खानी पड़ेगी। फ़िलहाल में जो प्रॉब्लम है मैं उसकी दवा खा रही हूँ, और जो वैसे चल रही हैं उनको नहीं खाऊंगी अभी दो तीन दिन तक, जब तक ये वाली हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत मुँह पूरा सारे अंदर से है ना, ये जो मसूड़े सारे खुल गए हैं, और वो दाढ़ में सूजन है, यहाँ पे पूरा से कट गया ऐसा लगता है अंदर अंदर सारा कुछ। तो कुछ नहीं खाया जा रहा है, बना के रखा हमने कल शाम को, बनाए थे पराठे सब्ज़ी बड़े अच्छे से बनाए थे, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि खा ही नहीं पा रही थी। तो अभी सुबह ब्रेड वगैरह लाए थे, आज तो दूध भी नहीं लिया है क्योंकि हम चले गए थे और वो आए नहीं थे अंकल दूध वाले। दूध देखते हैं, या तो बाहर से लेना पड़ेगा या तो नहीं लेंगे, आज कोई बात नहीं, आज तो मिला नहीं, हम खाएंगे क्या, सबसे बड़ी बात ये है, तो दूध तो लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मतलब नहीं कुछ ऑप्शन मिला तो दूध लेके आएंगे। तो चलो चलते हैं, मेरा जो काम है वो कर रहे, नहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दवा खा के, फिर उसके बाद काम करते हैं। पहले हस्बैंड को बता दें कि हम घर पहुँच गए हैं। नहीं, हमारी दवाइयाँ जो अभी बुखार वगैरह और खांसी जो है सारा, ये वो दवाइयाँ हैं, तो इनको हम जल्दी से खा लेते हैं। से दूध लेके आई हूँ, तो दूध गर्म कर रहे हैं हम, भूख भी लगी है, और आज तो मेरा यही खाना होगा। ब्रेड भी अभी रखी हुई है, बिस्किट ले आए थे, तो शाम तक तो मेरा यही खाना होगा। तो दूध गर्म हो रहा है, हो चुका है गरम, और मैं खाने जा रही हूँ दूध और बिस्किट। तो ये अभी मैंने इसमें इसलिए लिया क्योंकि ये ठंडा हो जाए, ज़्यादा गरम गरम तो खा ही नहीं सकते। मैंने खा लिया था बिस्किट वगैरह, और हो गया काफ़ी टाइम, पानी मैंने गरम करने के लिए पानी लगा दिया था। तो अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, नहा लेते हैं फिर धूप में थोड़ी देर बैठेंगे जाके ना, और मैंने दवा खा ली थी ना, तो इस वजह से अब नहा लेंगे, क्योंकि दवा खाने के बाद ना फिर आराम रहता है, तो इस वजह से अभी हम नहा लेते हैं जल्दी से, तो नहा ही लेते हैं, ठंड बड़ी लगती है ना, लेकिन कोई बात नहीं, नहाना तो पड़ेगा ही। तो चलो चलते हैं, पानी भी गर्म हो गया है, नहा लेते हैं हम। मैंने नहा लिया है और मैं आ गई हूँ छत पे, थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर जाऊँगी उसके बाद नीचे, है ना, फिर आराम करेंगे जाके, अभी दवा भी खानी है। तो बैठे देख रहे हैं, बैठे जाके, उधर कुर्सी रखी हुई है उस बैठेंगे जाके। तो आज ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, ठीक है मौसम, तो ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, अभी नहाया है फ़िलहाल में गरम गरम पानी से, तो उसके थोड़ी देर बाद तो नहीं लगती, अभी ठंड तो नहीं लग रही है हमको, इसीलिए मैंने अंदर देखो ये पहन के रखा है ना, ठंड इतनी ज़्यादा लगती है हमको ना, तो हम तो कपड़े ढक के रखते पूरे अपने आप को, देखने वाला कुछ भी बोले, है ना। आज सुबह देखा ही था आपने, एकदम भालू लग रहे थे, इतने मोटे लग रहे थे हम, इतने हैं नहीं जितने मोटे लग रहे थे उसमें, हम सही बता रहे हैं, और थोड़े बहुत तो हो ही गए हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने दिख रहे थे, इतने कपड़े पहने हुए थे, तो अब हम दिख रहे हैं ऐसे, इतने ही हैं हम, बस ये पहने हुए हैं अंदर से, इतने ही हैं मोटे हम। आ गई हूँ छत से नीचे उतर के, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेटूंगी, कितना बज, 2 बज गया है, थोड़ी देर लेट लेते हैं फिर उठते हैं हम उसके बाद में, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस हो चुकी है शाम, बजने वाले हैं 5, अभी बजे नहीं है, और मैं ना लेटी थी तो मैं थोड़ा सा सो गई, जब सो गई ना मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं आज इतने दिनों बाद सोई हूँ, थोड़ा सा ही सोई हूँ, 10-15 मिनट ही, बट उतना ही ठीक है, बहुत है, मेरा मुंह नहीं खुल रहा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे मसूड़े सारे खुल गए हैं, दर्द हो रहा है बहुत। तो जा रहे हैं हम झाड़ू लगाने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी आते होंगे लुधियाना से,
मैंने उनको कॉल करके पूछा तो वो बोले मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो चलो उनके आने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और शाम भी हो गई है, अभी सूर्य डूबा नहीं है, तो जा रहे झाड़ू लगाने के लिए। ये पेस्ट बनाया हुआ है हल्दी और तेल का, इसको मैं ना मसूड़ों में अपने इसको मसाज करूँगी ना, शायद थोड़ा आराम मिले दर्द से या जो भी इन्फेक्शन है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, 7 बजे आया हूँ मैं, लुधियाना से लेट हो गई बस इस वजह से, ठीक है ना। तो आ चुका, अब मैं खा रहा हूँ ब्रेड, चाय पे गरम गरम चाय। तो एक बात और बतानी है, इधर देखो, जो जिंदगी है ना वो इस ब्रेड की तरह है, एक बार डुबाने के बाद चाय में जल्दी खानी तो खा लो वरना गिर जाएगी इसमें, समझ रहे हो ना। वैसे ही जिंदगी है, एक बार पैदा होने के बाद जितना जी सकते हो खुल के जी लो वरना खत्म तो होनी है। बाबा दोस्तों हम बताने आए थे कि हम वीडियो खत्म करने का हम बताने आए हमको सिर्फ आती है वीडियो खत्म करने में इतनी शर्म। तो दोस्तों हम लोग बताने आए थे कि अब हम लोग वीडियो ख़त्म करने जा रहे हैं, खाना अभी खाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है ना, खाना खाते टाइम खाना खाएं कि वीडियो बनाएं पहले आप बताओ। इतना लंबा वीडियो देख भी नहीं पाते हैं लोग ना। हाँ ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर आप लोग बोर हो जाते हो, काट काट के देखते हो वीडियो, इसलिए हम यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखें और हम लाइक तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो पूरा देखें वो कभी कभी फ्लो में निकल जाता है ना मुँह से फ्लो में आलम से जाने का निकला था बीच में आगे बहुत फ्लो में मुंह से निकल जाता है। आज बहुत मस्ती वाला वीडियो है पूरा, आप लोग देखे होंगे तो मज़ा आया होगा जरूर, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।